आज के वीडियो में हम लोग खाने वाले हैं पिंक कलर का खाना। सुबह से लेके रात तक, इवन आधी रात में भी हम पिंक कलर का खाना खाने वाले हैं। तो क्यों ना शुरू करें इस वीडियो को एक अच्छे से प्यारे से इंट्रो के साथ। Hi guys, welcome back to another video. Hope you all are doing absolutely amazing. So, आज के वीडियो में हम लोग खाने वाले हैं पिंक फूड। आई मीन हमने ऑर्डर कर लिया है हमारी पहली चीज आज की। सो बेसिकली ये होने वाला कि मतलब लाइक वो फूड कलरिंग वाला चीज ना यूज करते हुए ऑथेंटिक एकदम पिंक कलर का वो होना चाहिए खाना, वो हमें ढूंढना है एंड खाना है। सो क्या यू कैन थैंक यू। टू बी ऑनेस्ट, इन फ्राइज को देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इनके ऊपर पिंक कलर की आइसक्रीम डाल के इनको डेकोर करके दे दिया हो। बट लेट्स सी हाउ इज द टेस्ट एंड हाउ इज एवरीथिंग। कितना ज्यादा पिंक है ये। It is good. मैं बहुत ही मेयोनीज और चीजी नाइस, दिस इज यम्मी। मैं नॉर्मल फ्राइज है बट सम चीजी मेयो इन पिंक कलर। नाउ लेट्स हैव दिस। It's a shade of pink, but it is not exactly pink. Damn. But tastes like watermelon or mint. But it is strawberry mint slushy. It is also good. Actually, fries are actually yum. So I'll rate it 9 out of 10. And this is also 8 out of 10. Both things are yummy. So yeah, that is it. From like first place we are here at Melt House in GK. इसके बाद we have like so many places like pink food के लिए I have लंबी चौड़ी list. So बने रहो, आगे देखते रहो what we wanna have in pink food today. Okay, so after having हमारे pink fries, now we are here in the mall because बाहर बहुत गर्मी है, बाहर जाके कुछ तो खा नहीं सकते हो। तो अच्छा उस मॉल बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शन लाइक फूड में, डेजर्ट में, मीठे में और छोटी मोटी कैंडीज में, लाइक बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है विच इज़ ऑब्वियस अगर आप मॉल में आ रहे हो तो। सो वी हैव थियोब्रामा, फ्रोजन फन, यम यम चा, हारा जूकू, हाउस ऑफ कैंडी और बहुत सारे जापनीज रेस्टोरेंट हियर। तो या लेट्स गो एंड एक्सप्लोर वहाँ पर पिंक कलर का हमें क्या मिलने वाला है। एंड वी आर हेयर इन द मॉल तो ऑब्वियसली चांसेस ज़्यादा हैं चीज़ें मिलने के, तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर वट वी हैव हेयर। अच्छा वैसे तो मॉल में ऑप्शंस काफ़ी सारे थे, बट द थिंग इज कि हमें चाहिए था पिंक कलर और वो मिलना बहुत मुश्किल था। तो हमने सीधा लैंड किया अपनी सवारी को हारुजुकू कैफे में। ओके, सो आफ्टर डूइंग ढेर सारा रिसर्च नाउ वी आर हियर इन हारुजुकू कैफे। तो यहाँ बहुत सारे पिंक कलर के ऑप्शन है। वी हैव चीज केक, वी हैव स्विस रोल, वी हैव पैनकेक्स, वी हैव बोबा टी। अभी हमने स्ट्रॉबेरी बोबरी ऑर्डर कर दिया एंड वी हैव ऑर्डर स्ट्रॉबेरी पैनकेक ऑल्सो विच इज इन पिंक कलर। आई गेस अब जब वो आएगा तब पता चलेगा कितना पिंक है और कितना पिंक नहीं है, बट दिस इज टोटली पिंक, लुक्स लाइक रोहब्जा। एनीवे लेट्स हैव इट एंड दे बता दे कि हाउ इज इट। नो हल्का सा ना वो फिज फिज वाला टेस्ट नहीं, इट इज जस्ट लाइक मीठा पानी विद सम बोबास। Glass is cute, the sprint is cute, but the tea is okay-ish. Yeah, let's have our pancakes now. Unka wait karte hain, wo aayenge batayenge how is it. And yeah, that is it from Harajuku abhi tak ke liye. Badi hi buri hai. Pee le tu. Dekho kya perfect angle aa raha hai, ekdam badhiya. Kya badhiya lighting aa rahi hai. Tujhe main fire kar deti hu. I can shoot my own videos. Okay, so now we are waiting for our pancakes and मुझे पता नहीं क्यों डाइसी हूँ कि वो पिंक कलर के हैं भी या नहीं है। What do you think? All right, so our pancake is here and it is
बहुत ही गहरा पिंक एकदम गुलाबी है। अरे उस पर फोकस नहीं हो रहा, अभी फोकस नहीं हो रहा। अरे ब्रो, अरे ब्रो, मुझे तेरी ज़रूरत पड़ेगी पहले। ओके ओके ओके। ओ भाई कितने सॉफ्ट। ओके एंड सम आइसक्रीम आल्सो। बहुत टेस्टी है भाई साहब, मतलब जितना ही कैलोरीज से भरा हुआ है उतना ही टेस्टी है। और दिखने में कितना टेम्पटिंग है, मज़ा आ गया। मैंने इनके चॉकलेट नटेला ट्राई करे ना हमने इसके, हाँ तो हमने इनका नटेला भी ट्राई किया हुआ है, उससे बेटर है स्ट्रॉबेरी, काफ़ी टेस्टी। सो आफ्टर मॉल नाउ वी आर हियर एट मॉडर्न बाजार। मेरे को वापस मौके बता दो। सो बेसिकली ये हुआ कि हमने काफ़ी सारी पिंक चीज़ें खा लिया, नाउ वी आर डन। सो आई एम प्लानिंग टू बाय अ फ्यू मोर थिंग्स इन पिंक कलर एंड देन गो होम, घर जाके खाएंगे। सो लेट्स गो इनसाइड एंड हैव सम लाइक शॉपिंग टू मी राइट नाउ, और फिर चलते हैं घर जाके उन सब चीज़ों को खाएंगे। पहले हम देखते हैं कि हमें अंदर पिंक क्या क्या मिलने वाला है, लेट्स गो। मॉडर्न बाजार या किसी भी स्टोर में पिंक कलर का खाना ढूंढना इज़ अ ईजी टास्क, बट द थिंग इज़ कि वो अंदर से पिंक होना चाहिए। तो उसके लिए हमने सबसे पहले उठाई यहाँ पे जाके कोको पोको, एंड देन मैं गएंगे चॉकलेट सेक्शन, वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला। देन हमने डिसाइड किया कि एक फ्रोजन फन उठा लेते हैं, एक टिक टैक, एक हुब्बा बब्बा, आई डोंट नो ये अंदर से कैसी होगी, एंड देन सम मार्शमेलोस। आई वाज आई से अबाउट इट, बट देन हमने उठाई एक ट्रीट की वे, एंड आगे जाके हमें दिखे ये पिंक कलर के सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, वो ये क्या है, पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट। और अगर आई एम बैक होम, तो हमने मॉडर्न बाजार से तीन चार चीज़ें तो ले ली, तो मतलब उनको कंसिडर कर सकते हैं वो एक्चुअली पिंक कलर के। तो अगर मुझे अब लग रही है गर्मी, तो लेट्स हैव अ सिप ऑफ दिस ड्रिंक एंड लेट्स सी कि ये कैसी है। वेट, तुम लोग यहाँ रुको, थोड़ा सा काम चला लो यार, मैं ना फिर चेंज करके एकदम प्रॉपर बैठ के तुम्हारे साथ खाऊंगी पीऊंगी, बट अभी लग रही है गर्मी, तो लेट्स हैव अ सिप ऑफ दिस थिंग। क्या क्या सामान रखे हैं यार, मेरा बैकग्राउंड की एस्थेटिक खराब कर दी है। तो दिस ड्रिंक इज एक्चुअली यमी, मतलब दिस इज बेटर देन हमारी वो जो हमने 300 रुपए की जो बोवा टी पी ना हाराजुकू कैफे पे, उससे बेटर है ये हमारा कोको मोको, एंड इसके अंदर भी ना जेली होती है, कोकोनट जेल्स होते हैं, एंड इट इज यमी। तो मैं बस फटाफट चेंज करती हूँ, और थोड़ा जो कबाड़ा फैला हुआ है ना मेरे अगल बगल यहाँ भी फैला हुआ है, इन सबको क्लीन करके खुद को एकदम थोड़ा चेंज करके आती हूँ, बिकॉज इसमें मेकअप हो गया। मिलती हूँ आपको बस इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। हाय, आई एम बैक। एक्चुअली भाई साहब, ऐसे ये सब कुछ कबाड़ खा के ना मुझे पेट में बहुत ब्लोटिंग सी फील हो रही थी, आई डोंट नो व्हाई, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। तो वी हैव नाउ लाइक 1, 2, 3 एंड दिस 1, 4 जो हम पी चुके हैं ऑलरेडी, कोको पोको, आई मीन इसको मैं क्या मुँह से बार बार मोगू मोगू नहीं कर रहा, आई डोंट नो वाई, क्या है तो ऐसा पीछे हो जाता है। ऑल्सो मैंने थोड़ा समेट लिया अपने आसपास की चीज़ें, देखो टिक टैक तो हम सबको पता होता है कि क्या टेस्ट होता है क्या होता है। लेट्स हैव दिस हुबा बुबा, हुबा बब्बा है आई गेस ये। ओह ओके, सो इट्स अ टेप थिंग ऐसे, ये तो ऐसे ही टूट रहा है यार, बट इट इज नॉट इन वाइट कलर, तो आई कैन नॉट ईट इट। बट मैंने थोड़ा सा पूरा नहीं खा सकती हूँ, बट फॉर टेस्ट इट इज बड़ा ही फ्रूटी फ्रूटी था, बट ओके वी कैन नॉट ईट इट राइट नाउ, बट मुझे थोड़ा सा खाया थोड़ा सा चल जाता है यार, आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई इट, बहुत ही फ्रूटी सा टेस्ट है ये वो फलाना। सो मुंह साफ कर लेते हैं अपनी कोको मोको पी के, सॉरी कोको पोको पी के। लेट्स ओपन आवर दिस ट्रीट। यार ये बचपन में इतना लेती थी ना, मेरी मम्मी को बताया,
we all know कि इसका taste कैसा होता है. It will be white in color, but उसके अंदर का जो क्रीम होता है that is pink. तो I guess उतना हम value दे रहे हैं चीजों को कि हम उनके अंदर इतनी तो consideration हो सकती है. मैं सोचा pink ही pink खाए जा रही हूँ. खुल जा यार. देखा मैंने कहा था ना कि वो थोड़ी सी तो focus कर ले यार. कैमरा मेरे कर लिया ना. हाँ देखा इट इज इन पिंक कलर तो ये हम वैलिड दे रहे हैं इसको पॉइंट खाने के लिए. अरे बहुत टेस्ट लगती है मेरे को. आई लव इट. तुम्हें पता है इफ यू आर फॉलोइंग मेरा इंस्टाग्राम तुमको पता होगा कि मैं पिछले एक हफ्ते से डेढ़ हफ्ते से घर पे कुछ कबाड़ा नहीं खा रही. मेरे चल रहा है वही चल रहा है कि मैं सैटरडे संडे खाती हूँ सारा कबाड़ और पूरे हफ्ते की मेहनत बर्बाद कर देती हूँ. ओके सो लेट्स ओपन आवर टिक टैक नाउ. मुझे बहुत पसंद है. आई लव टिक टैक. इन चैलेंजेस का ये फायदा तो होता है कि आप अपनी ना फेवरेट चीज़ें या बचपन या कुछ भी आप रिलिव कर सकते हो. एंड आई गेस दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल दीज चैलेंजेस एंड एवरीथिंग एल्स. प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो कि वॉट डू यू वॉन्ट टू सी नेक्स्ट. कि मैं और कौन से कलर चैलेंजेस करूँ या और कौन से फूड चैलेंजेस करूँ. आई एम प्लानिंग टू बी मोर कंसिस्टेंट ऑन दिस चैनल. आई डोंट नो मैं इतनी बकर क्यों कर रही हूँ बट जब मैं घर पे कैमरा खोल के बैठ जाती हूँ ना तो मेरा मन करता रहता है कि मैं खुद से बात कर ये आप लोगों से बात करती रहूँ ऑब्वियसली. ओके सो इसके अंदर हमारे पास चेरी पिंक कलर की भी है और पिंक कलर की भी है. वी गोना हैव पिंक वाली बिकॉज वी आर डूइंग अ पिंक चैलेंज. अबे यार देखो एक पिंक नहीं निकल के आई है. और ये भी तो दिखा दूँ कि मैं आई एम नॉट डूइंग एनी चीटिंग काइंड ऑफ थिंग. एक तो फोकस नहीं हो रहा अभी भी नहीं हो रहा मत हो. वो फ्लेवर ऐड कर लो या कुछ भी कर लो. अब नाउ लेट मी शो यू कि व्हाट आर वी हैविंग. तो मेरे घर के पास तो नहीं कह सकती मैं इसको बट मीसो द एशियन किचन इट्स ऑन जोमैटो. आप मेरे शॉर्ट्स पे देखा होगा मैंने वहाँ से वो खाए थे उडोन नूडल्स जिसको मेरी मम्मी सांप बोल रही थी. तो वहीं से मैंने ऑर्डर किया है ट्रफल चिकन हर गाओ. ठीक है इन इमेज इट इज़ इन पिंक कलर और साथ में हमारे पास दो सॉसेज हैं चॉपस्टिक्स भी है. तो मैंने ऑर्डर कर दिया है. इसका प्राइस है ₹299 जो कि मुझे 350 का पड़ा है डिलीवरी वगैरह सब लगा के. और ये आने वाला है इन 30 मिनट्स. तो हमारा डिनर तो ये होगा. जब ये आएगा मैं दिखाऊंगी कि ये दिखने में कैसा है हाउज द टेस्ट एंड एवरीथिंग एल्स. तो अब जब मेरे डिमसिम्स आएंगे पिंक कलर के ट्रफल वाले लाइक चिकन ट्रफल तो मैं आपको उनके साथ मिलूंगी फिर उसको साथ में बैठ के खाएंगे. ओके सो वी गॉट अ पैकेट फ्रॉम मीसो द एशियन किचन. तो ओपन करके देखते हैं कि कैसा आया क्या आया. पिंक कलर का है ये भी या नहीं. लेट्स ओपन इट नाउ. ओके गाइस सो वी गॉट आवर डिमसिम राइट हियर. तो लेट्स ओपन इट. ठीक है और ऊटपटांग ऊटपटांग. ओके सो वी गॉट वन हॉट गार्लिक सॉस एंड वन आई डोंट नो व्हाट. लेट्स सी कि क्या है. एंड चॉपस्टिक्स एंड मेरे डिसअपॉइंटमेंट समझ रहे हो. देखो दे लुक लाइक दिस. दे आर क्लोज टू बेबीश पिंक और थोड़ा सा पर्पलिश टोन आ रहा है. मैं नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही वो है बट मैं कंसिडर कर रही हूँ भाई इसको. इसमें बेबी पिंक टोन है. तुम मानो मत मानो मैं तुमको फोकस करके दिखा देती हूँ. वेट. ओके तो लेट्स हैव सम हमारे मोमोज. ओ सॉरी लेट्स हैव आवर डंपलिंग. मैंने तो पैसे दिए मैं तो करूंगी इसको कंसीडर. ओके सो वी हैव दिस हॉट गार्लिक सॉस राइट हियर. हाँ तो हमारे पास आ गए हमारे मोमोज विद हॉट गार्लिक सॉस. लेट्स हैव अ परफेक्ट बाइट ऑफ दिस. हिसाब काफी तीखी लग रही है यार. खूब बड़ी 1-2-1 यार. पता है क्या अगर आप लोगों को इसका रियल कलर चेक करना है ना फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम या मेरे शॉर्ट्स पे आप देखना आपको पता चलेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही. इसके अंदर सीरियसली शेड ऑफ पिंक मुझे तो नजर आ रहा है. लेट्स हैव आवर फर्स्ट बाइट ऑफ दिस. पता क्या पर्सनली मुझको डम्पलिंग्स वाला जो फ्लेवर होता है ना वो पसंद नहीं आता है बट इसका चिकन इज वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर. बहुत अच्छा है.
बट जो अलग से एक टेस्ट होता है ना इनकी लेयर का, अलग से एक स्मेल होती है और डम्पलिंग वाली, आई डोंट लाइक इट. तो बाकी आई विल रेट दिस थिंग 8 out of 10 अगर डम्पलिंग वाली रेटिंग करनी है तो. अदरवाइज मुझको ये ओकेश लगे. भाई देखो अभी बेम्पिंग नजर आ रहा है मेरे को या मैं अंधी हूँ, मुझको प्लीज बता दो. तो या दैट इज दिस सीन. ओके तो हाँ देखो भाई, अपना चैलेंज पूरा करने के लिए मैंने इसमें से एक डम्पलिंग तो खा लिया है. देखो अभी भी तुम कहोगे कि थोड़ा पर्पलिश टोन में जा रहा है, बट इन रियल लाइफ इट इज थोड़ा बहुत पिंकी पिंकी, थोड़ा पर्पलिश है बट इट इज पिंक. ठीक है, जो मैंने फोटो देखी थी वो जो तुमको दिखाई थी उसके हिसाब से जब चीज पक जाती है तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो मान लो. वैसे तो ये वीडियो मैंने कल ही एंड कर दिया था यानी कि रात को, बट आधी रात में जब मुझे क्रेविंग हुई तो मुझे याद आया मेरे फ्रिज में मेरी पिंक कलर की स्ट्रॉबेरी सॉर्बे रखी हुई है जो कि हमने मॉडर्न बाजार से ली थी फ्रोजन फन की. इसका टेस्ट वाज वेरी फ्रूटी, वेरी टैंगी एंड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल आइसक्रीम. इट्स अ सॉर्बे, तो बेसिकली इट्स अ फ्रूट पल्पी आइसक्रीम काइंड ऑफ थिंग, बट नॉट एग्जैक्टली आइसक्रीम. इट वॉज वेरी यमी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके जाना, कॉमेंट करके जाना एंड बताना कि मुझे और अगली वीडियो कौन सी करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए या कौन सा कलर चैलेंज करना चाहिए. दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड. बाय बाय. प्लीज कॉमेंट करके जाना एंड बाय बाय. लव यू.